स्वागत है। जैसा कि आपको पता था तो दिवाली कल है, तो मैं नहीं सोचा यार कुछ व्यापार करने का सोचती हूँ। मम्मी मेरी दुकान लगा पटाखे की, पटाखे बेचूंगी मैं इस दिवाली पे। पटाखे बेचेंगे क्या? तो चल पटाखे की दुकान लगाएंगे, चल पटाखे होलसेल में लेने चलेंगे। चल पटाखे की दुकान लगाई जाएगी कपूरी की। पटाखे, हाँ पटाखे दुकान लगाऊंगी पटाखों की। चल तो लेके चलो, चलो पटाखे लेके मार्केट लगाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मम्मी और कुलदीप जो है वो इसके नौकर हैं और वो पटाखे की दुकान लगाते हुए इस गपूड़ी के लिए मैंने गपूड़ी के आगे दीवार लगा रखी अपने हाथ की। ये दीवार हटा दे, मैं सारी दीवारें तोड़ दूंगी। ले लो अमड़ी को पटाखे के लिए दीवारें तोड़ रही है, नहीं तो पटाखों की वर्ष लगा देगी। मानता हूँ ये दुकानदार है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए दुकानदार को। देखो दुकानदार कैसी मस्ती कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने लगा लिए पटाखे की दुकान और मैं बैठ गई हूँ मेरे सिंहासन पे, जहाँ से मैं पटाखे बेचूंगी सबको। देखिए मैं आपको दुकान दिखा देती हूँ। ये है दोस्तों मेरी पूरी पटाखों की दुकान, अब देख सकते हो। इसमें हम देखिए आसमान वाले पटाखे ज्यादा लाए। खेल लो अमड़ी को, बहुत बड़ी पान लगा ली तूने। कैसे बैठी देखो दोस्तों दुकान में, चमत बैठे कर। अब मेरे नौकर सौरभ ऐसा कर, जाके ने बाहर आवाज लगा ताकि अपनी दुकान पे ग्राहक ही भी आए। हेलो ओमड़ी को बुलाता हूँ ग्राहकों को। आओ आओ वही कपूरी जी की दुकान में आइए, बढ़िया बढ़िया पटाखे लीजिए, हमारी कपूरी जी बहुत अच्छे अच्छे पटाखे बेच रही है। सौरभ बढ़िया से आवाज लगा, ऐसे तो कोई नहीं आएगा। 15 मिनट्स लेटर। इतना टाइम हो गया सौरभ, अभी तक अपनी दुकान पे एक ग्राहक भी नहीं है। तूने क्या मेरी दिवाली पे मेरा दिवाला निकालने का डिसाइड किया है? हेलो अमड़ी को, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। लगता है मुझे खुद को ड्यूटी से माननी पड़ेगी यहाँ के। चलो मैं ही बुलाती हूँ, आओ मेरे पटाखे की दुकान पे आओ दोस्तों। बढ़िया बढ़िया पटाखे बेच रही हूँ मैं, डिस्काउंट लगा के 50% ऑफ। हेलो अमड़ी को 50% ऑफ मत दे, सिर्फ 20% ऑफ है, बर्बाद करेगी क्या? अरे मेरी दुकान में मैं जितने में भी बेचूंगी तेरी क्या हरकत होगी। हेलो अमड़ी को चल बेच ले। अरे तो बचरा होगा यार, पटाखे की दुकान पे आओ मेरी, कोई आ ही नहीं रहा यार, कहाँ चले गए सारे ग्राहक। अरे कपूरी जी पटाखे कैसे दिए? पहली बात मेरा नाम कटकुड़ी नहीं है, इस मोहल्ले का बॉस हूँ मैं। बॉस सॉरी बॉस, पटाखे कैसे दिए? पटाखे तो मैडम बहुत बढ़िया दिए, पैसे की चिंता मत करिए, एकदम वाजिब दाम में दूंगा आपको मैं पटाखे। चलो ठीक है दिखा के लाओ फिर। पहले एक और कस्टमर आने दो, एक कस्टमर के लिए मैं इतना दूर नहीं जाता। कपूरी पटाखे कैसे दिए? कच्चे बारे पटाखे खरीदना, निकल मेरी दुकान पे आने की तेरी हिम्मत की? चलो मैडम आपको दिखा देता हूँ पटाखे। ये पटाखा बहुत महंगा है मैडम, 150 रुपए इसकी रेट है। अरे यार थोड़ा सस्ता लगा लो ना कोई। सस्ता ऐसा करिए 160 दे दीजिएगा। अभी तो 150 बना था फिर 160 मांग रहा हूँ। मेरी दुकान पे यही चलता है, अगर ज्यादा भाव तोड़ किया ना तो 10-10 रुपए बढ़ा लो। मैं ही चाबुन कर लेती हूँ पटाखे, से ज्यादा बिकेंगे नहीं। और एक मुझे ये चाहिए था। अरे मैडम आपने क्या पटाखा चुना, ये तो आपको 1000 रुपए का पड़ेगा बस। इसके सही लगाओ, इसे 500 रुपए लगाओ। हाँ 500 रुपए में तो यार बैठेगी नहीं बात। चलो आपका नहीं मेरा नहीं, 750 रुपए ले लीजिए। चलो आपका नहीं और मेरा नहीं, 600 रुपए डन करो। चलिए फिर आप ऐसा करिए दूसरी दुकान देखिए, ये नाटक मेरे साथ में चलेंगे। मेरी दुकान का आपको पता नहीं लगता, फिक्स रेट है एकदम, नो कॉम्प्रोमाइज। वो तो मैं आपको देख के इतना अच्छा दे रहा हूँ। 750 में ठीक है, चलो 750 में डन करती हूँ मैडम। अब आप है ना थोड़ा जल्दी करिए, लाइन में और भी कस्टमर है, उनको भी आगे आने दीजिए। आ जाओ भाई साहब, आप आगे आ जाओ। ये वाला चाहिए कपूरी मेरे को। आता था पहले, आता था नीचे रख, पहले पैसे चुकाने पड़ेंगे, इसके बाद पटाखों का हाथ लगाना पड़ेगा। खोल दिया नंगा कर दिया मेरे पटाखे का, नंगा कर दिया था तूने, तेरी वाट लगा दूंगी, दुकान मेरी की तेरी है। चलो आप दोनों देखिए पटाखे, तब तक मैं थोड़ा हल्का होके आ जाता हूँ, आप पटाखे डिसाइड कीजिए। चलो यार प्रेशर आ गया बहुत जोर से सुसु का। क्या करे दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं इसलिए हल्का होने का टाइम भी नहीं मिलता है। सीजन पटाखे की दुकान चलाना बहुत मेहनत का काम है। मैं छत पे आई हूँ तो आपको थोड़ा नजारा दिखाई देती हूँ छत से कैसा दिख रहा है। ये देखो दोस्तों हमारी जो दुकान का पूरा मोहल्ला है वो कैसा सजा रखा है बढ़िया से, देख सकते हो आप। अरे थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा कि मेरी दुकान लूट ना ले वो, पता चला दुकान ही साफ कर दी मेरी। आगे दोस्तों मैं अपनी दुकान में फिर से आ गई, लेकिन यार ये मैडम तो दिख रही है, वो कहाँ गया है? मैडम जी वो एक लड़का था ना एकदम मरियल जैसी शक्ल का, वो किधर गया? वो आपके पटाखा एक चोर के ले गया। आ, 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 मेरा दीवाना निकल दिया वो बेटा था चोर। किधर है वो? किधर है किधर है किधर? अरे कहाँ जा रहा था? छोड़ मेरे पटाखे को, पता नहीं किधर लेके जा रहा था। चलो मैं यहाँ लेट जाती हूँ, चौकीदारी भी करूंगी और बढ़िया से ना पैसे का हिसाब भी रख लूंगी यहाँ लेटे लेटे।
क्या पता कोई वो एक तो पटाखा नहीं चुरा ले कहीं से। ये कहाँ लेके जा रहा है तू पूरे पटाखे? दे रहा हूँ ना बिल, दे रहा हूँ पैसे, दे रहा हूँ। क्या पैसे दे रहा है? बिल तो बनाया नहीं लेकिन कुछ भी 500 रुपए में ले जा रहा हूँ मैं सारे, अब क्योंकि थोक विक्रेता से इतने देते हैं। 500 रुपए पागल है करे, 3000 के तो मैं ला रहा हूँ। 3000 रुपए अगर मेरे को मुनाफा करीबन 4000 कमाना है। ओ काहे के पटाखे एक दिन में फूट जाते हैं। तेरे को भी फोड़ दूंगी एक ही दिन में, ज्यादा बकवास की तो चुपचाप तो तेरे नीचे रख दे। ये सही में जा रहा है, मैं मजाक समझ लीजिए ये रख रहे, मेरे कोई कमीशन नहीं बना, इसमें चुपचाप रख दे मेरे पटाखे। चलो एक बार ऐसा कर, तीन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। वो मैडम जी तो चली गई, ऐसा करो तेरा नहीं मेरा नहीं 2500 रुपए में पाएंगे तेरे भैया। 2500 रुपए में अपने 500 रुपए का घाटा भी देख रही हूँ, इसलिए आप ज्यादा बकवास मत कर। पूरी दुकान तो फिर बिकने वाली थी, मैंने पूरी दुकान यार रख दे तू तो, रख दे तेरे जैसे कस्टमर से मुंह नहीं लगना मेरे को। चल रख मेरे पटाखे, रख दे तू तो। चल कुछ नहीं दे रहा, कैसे कर दूंगी, कैसे कुछ नहीं दे रहा, पटाखे लेके किधर दे रहा मेरे पटाखे? रास्ते में से छीन के ले आई पटाखे, मेरे को बेवकूफ बना रहा था, 500 रुपए का घाटा कैसे ले लेती मैं। चलो देख लेती हूँ एक दो पटाखे कम तो निकल दी कहीं। कैसे कैसे ग्राहक आ रही है आज, पूरा दिन निकल गया, सौदा ही नहीं हो रहा पटाखों का, कैसे कैसे दिवाली मनेगी बढ़िया मेरी। चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ जब तक सो जाती हूँ। लास्ट ऑफर है 2800 रुपए, 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी इससे मैं, क्या बोलते है? कर दे डील फाइनल। चलो डील फाइनल कर लेती हूँ, चलो ठीक है 2800 में आपका हुआ सामान। वैसे भी इसको ये बात नहीं पता है कि मैंने तो सिर्फ 500 रुपए के पटाखे खरीदे थे, 2000 रुपए का मुनाफा कमा लिया। चल जा भाई लेके पटाखे। चलो ठीक है, चलो फाइनली डील हो गई 2800 रुपए में। अरे कपूड़ी वो मैं चलो 3000 देने को तैयार हूँ तुम्हें। 10 से 1000 फिर तो बढ़िया। ए पोटली नीचे रख दे, क्या खड़ा है वहाँ पर, रख नीचे। डील तो कर ली मैंने फाइनल, तेरी डील विल की कब की थी? देखी हमारे पास नया ग्राहक आया। चलिए मैडम फिर आपने 3000 की बोली लगा कर आपके भाई ये पटाखे, मैडम जी को पटाखे बांधे। चलो भाई आज का कारोबार हो गया बढ़िया से, कर चलता हूँ अपने बीवी बच्चों को बढ़िया से मिठाइयाँ दिलाऊंगा। कैसा दुकानदार वाला था यार ये, आज के बाद कभी नहीं लूंगा इस दुकान से। तो क्या नहीं लेगा, मेरे इस मोहल्ले से निकल बा बढ़िया है, पैसे तो नहीं जेब में, बातें कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया। दिए तो थे 2800 रुपए, 2800 में तो 2000 रुपए मैडम का प्रॉफिट हो गया ना। फिर तेज प्रॉफिट देखोगे क्या तो यहाँ बेटा, किसी प्रॉफिट नहीं मिलने तो मिल दो, प्रॉफिट ही कमाओ अच्छे व्यवहार मत कमाना। चल निकल, आज बढ़िया कमाई हो गई, मम्मी को दिखा देता हूँ। चलो मम्मी आज तो बढ़िया से पार्टी करो, बढ़िया कमाई करके लाया हूँ मैं दुकान पे। एक मैडम जी आई थी 3000 में सारी पटाखे खरीद के ले गई मेरी। अरे वाह यार बेटा क्या बात है, आशा तूने बहुत अच्छी बोली करी। क्या आप क्या कर रही हो? मैं ना बेटा दीपक लगाने की तैयारी कर रही हूँ। देखना पड़ेगा। हाँ यार मम्मी दीपक लगा रही हूँ, और क्या चल रहा है घर में देख लेती हूँ। वाह पूड़ियाँ भी बढ़ रही है, मीठी पूड़ी चिरकी पूड़ी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ रात में कुलदीप मम्मी ये सब मिलके मटड़ी गुजिया ये सब बनाएंगे। और ये देखिए दोस्तों दिए भी चल गए हैं हमारे घर में, ये देखिए कैसे सुंदर सुंदर लाइट लगाई है मैंने। अब मैं थक गई इसलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को बढ़िया से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।